मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश रीडर लेसन 5, द ग्रीडी डॉग। द ग्रीडी डॉग, ग्रीडी मीन्स लालची। वंस देयर लिव्ड अ डॉग, एक बार एक डॉग रहता था। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत ज़्यादा लालची था। देयर वर मैनी टाइम्स दैट ही हैड टू पे फॉर हिज ग्रीड, कई बार ऐसा होता था कि उसको अपने लालच के कारण जो है पछतावा करना पड़ता था। Each time the dog promised himself, I have learnt my lesson, now I will never be greedy again. हर बार वो जो डॉग था वो खुद से वादा करता है कि उसने जो है सीख ले ली है, सीख ये ली है कि वो अब कभी भी फिर से जो है लालच नहीं करेगा। But he soon forgot his promises and was an greedy as ever. But जल्द ही जो है वो अपने वादे को भूल जाता है और फिर से जो है लालची बन जाता है। One afternoon the dog was terribly hungry. एक दिन दोपहर के समय जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा भूखा था। ही डिसाइडेड टू गो इन सर्च ऑफ समथिंग टू ईट, उसने डिसाइड किया कि वो जो है खाने की तलाश में जो है जाएगा। जस्ट आउटसाइड हिज हाउस, जस्ट उसी घर के बाहर, देयर वॉज ए वुडन ब्रिज, जस्ट उसी घर के बाहर एक जो है लकड़ी का क्या था, ब्रिज, ब्रिज मीन्स पुल। आई विल गो एंड लुक फॉर सम फूड ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिज, वो डॉग कहता है कि मैं जो है इस ब्रिज के दूसरी साइड जाऊंगा और खाने की तलाश करूंगा। द फूड देयर इज़ डेफिनेटली बेटर, ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से सोचता है कि वहाँ पर मुझे खाना जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। ही वॉक्ड अक्रॉस द वुडन ब्रिज एंड स्टार्टेड स्निफिंग अराउंड फॉर फूड, उसने क्या करा, वो जो है उसने जो पुल क्रॉस किया और उसने जो है इधर उधर सूंघना शुरू कर दिया खाने की तलाश के लिए। स्निफिंग मीन्स सूंघना। सडनली ही स्पॉटेड अ बोन लाइंग एट अ डिस्टेंस, अचानक से उसने क्या स्पॉट किया कि कुछ ही दूरी पर जो है एक बोन है, यानी कि एक हड्डी रखी हुई है। स्पॉटेड मीन्स ध्यान या नोटिस, कि उसका जो है एकदम से उस बोन पर जो है ध्यान गया। आह आई एम लकी, उसने बोला आह मैं तो कितना लकी हूँ। दिस लुक्स अ डिलीशियस बोन, ही सेड, वो बोला कि ये तो एक स्वादिष्ट बोन दिख रही है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम द हंग्री डॉग पिक्ड अप द बोन, अपना टाइम बिना वेस्ट किए जो भूखा डॉग था उसने जो है बोन को पिक किया। एंड वॉज जस्ट अबाउट टू ईट इट, और वो उसको जस्ट खाने ही वाला था। वेन ही थॉट, उसने सोचा, समबडी माइट सी मी हेयर विद दिस बोन एंड देन आई विल हैव टू शेयर इट विद हिम, उसने सोचा कि कोई ना कोई मुझे जो है इस बोन के साथ देख सकता है और जब वो देख लेगा तो मुझे जो है उसके साथ उसको शेयर करना पड़ेगा। सो इट वुड बी बेटर टू गो होम एंड ईट इट, तो ये सही रहेगा कि वो घर जाकर जो है उस बोन को खाए। नेक्स्ट, होल्डिंग द बोन इन हिज माउथ, उसने जो है बोन को अपने माउथ में होल्ड किया यानी कि पकड़ा। ही रैन टुवर्ड्स हिज हाउस, वो जो है अपने घर की तरफ दौड़ा। While crossing the wooden bridge, wooden bridge को cross करते समय the dog looked down into the river. The dog है उसने नदी की तरफ देखा। There he saw his own reflection in the water. वहाँ पर उसने अपना ही जो है reflection देखा पानी के अंदर, यानी कि अपनी परछाई देखी। The foolish dog mistook it for another dog. जो वो foolish dog था, foolish मतलब मूर्ख, यानी कि वो जो मूर्ख dog था उसने सोचा कि वो दूसरा dog है। There is another dog in the water with bone in its mouth. उसने सोचा कि एक और डॉग है जो कि पानी के अंदर है, उसके मुंह में भी क्या है, बोन है। ग्रीडी एज ही वॉज, ही थॉट, हाउ नाइस इट वुड बी टू स्नैच दैट पीस ऑफ बोन एज वेल, उसने सोचा, वो लालची तो था ही, उसने सोचा कि क्यों ना इसके पास जो पीस ऑफ बोन है उसको छीना जाए। स्नैच मीन्स छीनना, कि उसको छीनना कितना अच्छा होगा। देन आई विल हैव टू बोन्स, फिर मेरे पास जो है दो बोन्स हो जाएंगी। So the greedy dog looked at his reflection and growled. जो लालची डॉग था उसने जो है अपने रिफ्लेक्शन की तरफ देखा, यानी कि अपनी ही परछाई को देखा, और वो जो है उसको गरजने लगा। द रिफ्लेक्शन growled back too. जो उसकी परछाई थी पानी के अंदर वो भी क्या है, वापस से उसको गरजने लगी, क्योंकि वो उसकी परछाई थी, तो जैसा वो लालची डॉग करेगा वैसा ही तो उसकी परछाई करेगी ना। This made the dog angry. ऐसा करने पर डॉग को गुस्सा आया। He looked down at his reflection and barked. उसने जो है फिर से परछाई की तरफ देखा और भौंकने लगा, वुफ वुफ। एज ही ओपन्ड हिज माउथ, जैसे ही उसने अपना मुंह ओपन किया, द बोन इन हिज माउथ फेल इनटू द रिवर, जो उसके माउथ में, जो उसके मुंह में हड्डी थी वो नदी में गिर गई।
It was only when the water splashed that the greedy dog realized that what he had seen was nothing but his own reflection and not another dog. तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे ही उसने मुंह ओपन किया, उसके मुंह से निकला जो बोन था वो पानी में गिरा, और पानी में गिरते ही जो है उसके ऊपर जो है पानी की बूंदें गिरी, और तब उस डॉग को रियलाइज़ हुआ कि जो पानी में वो देख रहा था वो उसका रिफ्लेक्शन था, वो उसकी परछाई थी, ना कि दूसरा डॉग. बट इट वॉज़ टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी थी. ही हैड लॉस्ट द पीस ऑफ बोन बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड. जो उसके पास बोन था, जो उसके पास पीस ऑफ बोन था, वो उसको खो चुका था, क्योंकि किस कारण? लालच के कारण. नाउ ही हैड टू गो हंगरी. अब उसको जो है भूखा ही आगे जाना था. सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. तो स्टूडेंट्स, इससे हमें शिक्षा मिलती है, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. अगर आप लालच करेंगे तो आप पछताएंगे.